गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भोजन का वर्गीकरण। कल हमने पढ़ा था कि भोजन क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलो अब देखते हैं भोजन का वर्गीकरण क्या होता है। भोजन के वर्गीकरण का मतलब है कि हम भोजन को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो भोजन को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, दूसरा है पौष्टिक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, और तीसरा होता है रासायनिक संगठन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। तो हम भोजन को कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन, कार्यों के आधार पर, पौष्टिक तत्वों के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। अब हम देखते हैं कि कार्यों के आधार पर जो भोजन को कितने भागों में बांटते हैं। तो कार्यों के आधार पर मतलब शरीर में जो कार्य करते हैं उसके हिसाब से, इनका मतलब क्या क्या फंक्शन है उसके आधार पर हम देखते हैं। सबसे पहला होता है शरीर की वृद्धि और विकास और ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, भोजन इनके अवयव या भोजन के तत्व कौन कौन से हैं। इसमें आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो आएंगे। दूसरा है शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव, शरीर का निर्माण करने वाले कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, खनिज लवण, जल, इनसे जो जो जिन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन खनिज लवण मिलते हैं वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तीसरा है सुरक्षा प्रदान करने वाले, कि हमारे शरीर को सुरक्षा कौन से भोज्य पदार्थ प्रदान करते हैं? विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल, इनसे जो जिन खाद्य पदार्थों में विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन या जल होते हैं, वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलो अब इनका वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। अब हम देखते हैं भोजन के कार्यों के आधार पर जो है कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं। सबसे पहले होते हैं शक्ति देने वाले या ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। शक्ति या ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों में हमारे आते हैं फूड ग्रोथ, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। वो पदार्थ हमें, कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या कार्य है? हमारे शरीर को शक्ति या ऊर्जा प्रदान करना। तो इसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट की और वसा वाले जो पदार्थ हैं वो आते हैं, जैसे अनाज है, घी है, मक्खन है, मीठे फल जितने भी हैं, मेवे, गुड़, चीनी, शहद, शक्कर, जड़ वाली जो सब्जियां होती है, वो सारे में क्या होता है, वो खाद्य पदार्थ हमें शक्ति या ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा जो होती है हमारी सबसे पहली जरूरत होती है, क्योंकि इसके बिना हमारा हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऊर्जा हमें जो शरीर की दो तरह की क्रियाओं को करने के लिए जरूरत होती है। जैसे ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जैसे चलना, भागना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि बातें करना, ये जो कार्य करते हैं हम इच्छा से करते हैं, तो इनके लिए भी हमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ क्रियाएं होती है अनैच्छिक, जो हम करते नहीं है, मतलब अपने आप ही हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है, जैसे दिल का धड़कना है, सांस लेना है, गुर्दे अपना कार्य करते हैं, रक्त जो है परिभ्रमण करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो जो शरीर अपना आप, जैसे हम चाहे सोते हैं, चलते, बैठते, उठते हैं, जब भी मतलब हम इच्छा से नहीं करते बल्कि हमारा शरीर खुद ये कार्य करता रहता है, उनको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएँ। तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा वाले पदार्थों से ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट आता है शारीरिक तंतुओं के बनाने और टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थ, जैसे दूध है, घी है, पनीर, अंडा, मांस, मछली, और जो जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारे शरीर की, प्रोटीन का क्या कार्य होता है? टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना और शरीर में जो है नए तंतुओं का निर्माण करना। तो जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारे शरीर की जो है टूट फूट की मरम्मत करते हैं, नए तंतुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वो भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? जिनके अंदर विटामिन और मिनरल की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन और खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इनमें जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ है, नींबू, संतरा, अंडा, मांस, मछली, ये पदार्थ आते हैं। तो विटामिनों का क्या काम होता है? हमारे शरीर की रक्षा करना। और विटामिन किस किस में होते हैं? जो दूध और दूध से बने पदार्थों में, अंडों, मांस, मछली और खट्टे फलों में, संतरा है, अंडा है, मांस, इन सब में क्या होता है, विटामिन्स होते हैं और खनिज लवण होते हैं, वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं को
ठीक प्रकार से चलाने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे पानी है, ताजे फल और सब्जियां, पानी और ताजे फल और सब्जियां। तो शारीरिक क्रियाएं क्या होती है? जैसे हमारे रक्त का संचरण करना, हमारा पाचन सिस्टम है, सांस की क्रिया है, और हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य जो है पानी, और जो है ये फल और सब्जियां हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, और जो भी शारीरिक क्रियाएं होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। पानी और जो फल होते हैं वो शरीर की गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाते हैं, और जो व्यर्थ के पदार्थ होते हैं वो उनको शरीर से बाहर निकालते हैं, और कब्ज भी दूर करते हैं, कब्ज को रोकने का काम यह भी करते हैं। ये जो तत्व होते हैं मनुष्य की जो भी हमारी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं, और पानी जो है हमारे शरीर का जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकालने में सहायता करेंगे, और जो रेशे होते हैं, रेशे वाले पदार्थ होते हैं, फाइबर फूड जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो आंतें हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर के अंदर की सफाई का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि भोजन के जो पौष्टिक तत्व हैं उनके आधार पर भोज्य तत्वों का जो वर्गीकरण किस तरह से है, ये इनके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इसमें है कार्बोज तथा वसा वाले पदार्थ, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है और जिनके अंदर वसा होती है, वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन खाद्य पदार्थों में होता है? जैसे जितने भी अनाज हैं, स्टार्च वाली सब्जियां हैं, जैसे आलू है, कचालू है, जिमीकंद हैं, और दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं या चीनी है, इनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। और वसा वाले जो पदार्थ हैं, जैसे दूध और दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं, घी है, तेल है, मक्खन है, अंडे हैं, या मांस मछली जो है, या सूखे मेवों में भी जो है वसा अच्छी मात्रा में होती है। अब देखते हैं प्रोटीन प्रदान करने वाले जो खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जिनके अंदर प्रोटीन होती है। दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर दालों में और मूंगफली है, या जो मांस मछली अंडे हैं और सूखे मेवों में भी क्या है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन और खनिज लवण प्रदान करने वाले तत्व तो कौन कौन से हैं? इनमें आते हैं जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं, या हरी सब्जियां होती हैं, या हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, या और दूसरी तरह की जो सब्जियां हैं, इनमें क्या होता है, विटामिन होते हैं। तो ये हैं विटामिन और खनिज लवण प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। अब हमारा तीसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। इसमें क्या आता है देखते हैं। चलें, जो हम प्रतिदिन के भोज्य पदार्थ खाते हैं, जैसे गेहूं है, चावल, सब्जियां, फल, दूध, मक्खन, तेल, अंडा आदि सब कुछ जो खाते हैं, ये सभी जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं इनमें जो है भिन्न भिन्न रासायनिक संगठन या ये तत्वों से बने होते हैं, और इनका वर्गीकरण जो है इस प्रकार से है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो किस रूप में मिलती है। दूध में जो है प्रोटीन कैसीन के रूप में मिलती है, गेहूं में ग्लूटन, और अंडे में जो है एल्ब्यूमिन के रूप में मिलती है। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दूध में जो है प्रोटीन किस रूप में मिलती है, तो क्या लिखोगे? कैसीन, गेहूं में ग्लूटन के रूप में, और अंडे में एल्ब्यूमिन के रूप में। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज जिनको कहते हैं, ये जो है किस रूप में मिलते हैं। अनाजों में जो है स्टार्च के रूप में मिलते हैं, और फल है या चुकंदर है या गन्ने में जो है शर्करा के रूप में, या शुगर मतलब चीनी के रूप में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है वसा या चिकनाई। तो जो घी और मक्खन है ये हमें कहाँ से मिलता है? दूध से। और तेल कहाँ से मिलता है? जो बीजों से, किसी भी तरह के जो बीज है, वनस्पतिक तेल कहाँ से मिलता है? वनस्पति जो हमें जैसे सरसों के बीज से तेल निकालते हैं, जैसे सरसों का तेल होता है, तिल का तेल है, अरंडी का तेल है, या नारियल का तेल है, या जैसे बादाम वगैरह, उनसे जो तेल निकलता है वो सारे जो है वो तेल में आते हैं। और दूध और मतलब दूध में है से हमें क्या मिलता है? घी और मक्खन। तो ये सब क्या होते हैं? वसा या चिकनाई मतलब फैट्स के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन या खाद्य। विटामिन जो है दो तरह के होते हैं, एक तो वसा में घुलने वाले होते हैं और एक जल में घुलने वाले होते हैं। तो वसा में घुलने वाले ए डी ई और के होते हैं, और जल में घुलने वाले बी और सी होते हैं। नेक्स्ट है खनिज तत्व या खनिज लवण या मिनरल्स, ये कई तरह के होते हैं, जैसे लोहा है, सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, आयोडीन,
इस तरह से ये कई होते हैं। नेक्स्ट रेशेदार जो पदार्थ होते हैं वो हमें सभी जो पौधों के द्वारा जो भोजन प्राप्त होता है हमें उन के अंदर क्या होता है, रेशे वाले पदार्थ होते हैं, वो फाइब्रस फूड भी बोलते हैं इनको, रेशेदार पदार्थ भी बोलते हैं या फोक वाले पदार्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट है जल। पानी की मात्रा जो हमारे शरीर में कैसे जाते हैं, या तो हम पानी जो पीते हैं या जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये हमने देखा रासायनिक संगठन के आधार पर जो है पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब अगर आपके एग्जाम में आता है कि जो है दूध में प्रोटीन किस रूप में मिलते हैं, कैसिन के रूप में, गेहूं में ग्लूटेन के रूप में, और अंडे में एल्ब्यूमिन के रूप में, इसी तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट जो है अनाजों में स्टार्च के रूप में मिलता है, और फलों और चुकंदर गन्ने इनमें शर्करा के रूप में मिलता है। दूध और दूध से बने जो पदार्थ होते हैं जैसे घी मक्खन है, इनसे हमें वसा मिलती है, और जो तेल है बीजों से जो तेल निकलता है वो भी वसा के स्रोत होते हैं। तो आज हमने पढ़ा भोजन का वर्गीकरण। हम भोजन को जो है 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक कार्यों के आधार पर, दूसरा पौष्टिक तत्वों के आधार पर, और तीसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। तो आपको आज की जो है जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा हो, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चलता रहे, आप तक वो पहुंचती रहे। धन्यवाद।